हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास एंड टुडे वी रीड थर्ड चैप्टर ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर द सेल्फिश जायंट। तो इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द जायंट। जायंट का मतलब अगर बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत कुछ भी इन, बहुत बड़ा, ह्यूज, क्या होता है ह्यूज। और सेल्फिश मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो किसी और के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने बारे में सोचे। हाँ, तो इसका फर्स्ट पार्ट में हम क्या क्या रीड आउट करेंगे, पहले हम ये देखते हैं। द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जो जायंट का जो गार्डन था वो बहुत सुंदर था और बच्चों को बहुत पसंद था उस गार्डन के अंदर खेलने के लिए। तो किसका गार्डन था, वो जायंट का था। और क्या था, गार्डन था जिसके अंदर बच्चों को खेलना बहुत पसंद था। द जायंट हु वाज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। जायंट, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा कि वो कैसा था, सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। तो जायंट ने क्या करा, अपने सेल्फिशनेस की वजह से, ताकि उसके गार्डन में कोई आए ना, तो उसने अपने गार्डन के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बनवा दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। तो बच्चे उसके बाद आ नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी दीवार थी। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। ना ही कोई मौसम का फ़र्क पड़ता था, क्योंकि देखो अगर मौसम भी नहीं आ पाएगा, कैसे नहीं आ पाएगा, दीवार इतनी बड़ी थी कि हवा हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो हेयर वी स्टार्ट एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल। द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। हर दोपहरी, दोपहरी में क्या होता था, बच्चे जो हैं सुबह स्कूल से आते टाइम वहाँ पे जायंट के गार्डन में जाते थे और खेलते थे। इट वॉज़ ए लार्ज लवली गार्डन। वो बहुत बड़ा, एक बहुत सुंदर गार्डन था जहाँ की घास बहुत अच्छी थी, हर जगह फ्लावर्स थे जो कि ऐसे टिमटिमाते थे, ऐसे ट्विंकल करते थे, ऐसे स्टार्स होते हैं ना आसमान में, हर जगह फैले हुए रहते हैं, सुंदर लगते हैं, ऐसे ही फ्लावर्स थे। ग्रास बहुत, और क्या था, एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। पीच के यहाँ पे फ्रूट होता है ना, तो 12 पीच के पेड़ थे। दैट वर इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, जो कि स्प्रिंग के टाइम पे बहुत सुंदर फ्लावर्स वगैरह में चेंज हो जाते थे और ऑटम में फ्रूट बन जाता था। स्प्रिंग के टाइम पे उसमें फ्लावर्स आते थे बहुत सुंदर सुंदर, और ऑटम के टाइम पे उसमें बहुत अच्छा फ्रूट आता था, पीच का फ्रूट। द बर्ड सैट, चिड़िया बैठती थी ट्री पे, गाना चहचहाती थी बहुत अच्छे से, तो बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता था। आपस में वो क्या कहते थे, बच्चे आपस में कहते थे कि हम यहाँ पे कितने खुश रहते हैं, हमें यहीं पे रह लेना चाहिए। वन डे द जायंट केम बैक। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे जायंट आया, तो ही हैड टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगरे एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर्स। तो वो अपने दोस्त के यहाँ गया, दोस्त का नाम क्या था, कॉर्निश ऑगरे, और उसके साथ कम से कम 7 एंड हैड स्टेड विद हिम। सॉरी, यहाँ पर क्या था, एक दिन जायंट वापस आया। जायंट कैसे वापस आया, जायंट कहाँ पे था, वो अपने फ्रेंड के पास रहता था, कॉर्निश ऑगरे 7 साल से अपने दोस्त के पास रह रहा था। तो जब वो आया तो उसने क्या देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं, तो उसने एकदम गुस्से में, ग्रफ वॉइस, मतलब गुस्से में ऐसा बोला, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब गुस्से में बोला तो बच्चे वहाँ से भाग गए। बेटा देखो पिक्चर में भी जायंट कितना बड़ा लग रहा है बच्चों के सामने, है ना। तो जायंट क्या बोलता है बच्चों से, ये मेरा गार्डन और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। एनीवन अंडरस्टैंडेड, सब समझ लो, और मैं किसी को इसके अंदर खेलने की परमिशन नहीं देता, बट माई सेल्फ, मेरे अलावा मेरे गार्डन में कोई नहीं आएगा और ना ही कोई खेलेगा। तो वो एक बहुत बड़ी वॉल बना देता है और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड पे लगा देता है कि ये मेरा गार्डन है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। बोर्ड पे क्या लिखता है वो, ट्रेसपासर्स मतलब जो यात्री गुजरते हैं ना रास्ते में से, जब रास्ते में से गुजरने वाले लोग, वो यहाँ पे अलाउड नहीं, प्रोसिक्यूटेड मतलब नॉट अलाउड, क्या होता है, नॉट अलाउड। और ट्रेसपासर्स जो राहगीर, क्या होता है, राहगीर, जो रास्ते में से ऐसे गुजरते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है ना। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट। वो कैसा था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, किसी और के बारे में नहीं सोचता था। अब देखो सबका आना यहाँ पे बंद हो गया था, तो जो बच्चे हैं अब उनके पास कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए, तो उनको रोड पे खेलना पड़ता था। पर रोड पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा डस्ट होती थी, पत्थर होते थे, तो उनको पसंद नहीं था, वो इधर उधर इधर उधर घूमने लगे, मतलब जो दीवार थी उसके आसपास ऐसे घूमने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे कि हम वहाँ पे कितना खुश रहते थे, कितना अच्छा लगता था हमें। फिर एक दिन, एक टाइम आया, स्प्रिंग सीज़न आया और पूरी कंट्री में
खुशियाँ थी। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, नए नए प्लांट्स नए नए फ्लावर्स उगते हैं, तो फ्लावर्स उग रहे थे, बर्ड्स चहचहा रही थी, लेकिन जो सेल्फिश जायंट का जो गार्डन था वहाँ पर कुछ नहीं था। वहाँ पर अभी भी विंटर थी, क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग सीजन आ ही नहीं पाया, हवा ही नहीं आ पाई वहाँ पर, क्योंकि उसने इतनी बड़ी दीवार बनवा दी, बर्ड्स नहीं आती थी वहाँ पर चहचहाने के लिए, क्यों कैसे आ पाएंगी वो, बर्ड्स को भी उसने आना सब कुछ आना मना कर दिया था। एंड द ट्रीज फॉरगॉट, और जो पेड़ थे वो भी मतलब फ्लावर्स नहीं दे पा रहे थे। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट्स वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। क्या होता था, जैसे ही प्लांट सोचता था ना कि मैं, अच्छा ठीक है, जैसे ही कली सोचती थी फ्लावर की कि मैं बाहर आती हूँ, मैं उगती हूँ, वैसे ही वो जो नोटिस बोर्ड पर लिखा होता था ना, वो बच्चों को देख पाती थी कली ना, कि बच्चे ही नहीं है यहाँ पे, और वो जो नोटिस बोर्ड पर लिखा होता था कि कोई भी अलाउड नहीं है मेरे अलावा, ये सब कुछ देख के फूल भी नहीं उगते थे। द ओनली पीपल, सिर्फ वहाँ पे क्या अलाउड था, अब क्यों कौन आते थे, स्नो एंड फ्रॉस्ट, बर्फ वगैरह, ठीक है ना। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन, एक तरीके से देखो स्प्रिंग यहाँ पर किसके लिए बोला गया, खुशियों के लिए, जो खुशियाँ हैं वही आना भूल गई थी इस गार्डन में, क्योंकि बच्चे नहीं आते थे, बच्चे नहीं आते थे, कोई खेलता नहीं था, तो यहाँ पे खुशियाँ भी नहीं थी। दे क्राइड सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, तो यहाँ पे स्नो और फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं, हम तो यहाँ पे हम पूरे साल रहते हैं और यहाँ पे कोई नहीं आता। द स्नो कवर्ड अप ट्री सिल्वर, हर टाइम जो पेड़ होते थे वो स्नो से ढके रहते थे, जैसे कि सिल्वर की परत, चांदी की परत चढ़ा दी हो। देन वे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, फिर उन्होंने क्या हुआ, जो बर्फ थी उन्होंने, स्नो थी, उसने क्या कहा नॉर्थ की विंड से, मतलब बेटा स्टोरी है, देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये नॉर्थ की विंड ऐसे बोल रही है कि जो नॉर्थ साइड से जो हवाएं चलती थी उसने, बर्फ़ ने उसको अपने पास बुला लिया। नॉर्थ में क्या है, हिमालयस वगैरह है ना, तो वहाँ पे से क्या ठंडी हवाएं आएंगी, तो वहाँ पे सारी ठंडी हवाएं बहने लगी, मतलब पूरा वहाँ पे क्या था, सिर्फ ठंड ठंड ही ठंड थी और कुछ नहीं था। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, यहाँ पे क्या है वो हर टाइम मतलब सर्दियों के कपड़े पहन के रहता था और सारे दिन इधर से उधर घूमता रहता था और जो चिमनी मतलब आग जला के रखता था ताकि उसको ठंड ना लगे। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सैड, उसने क्या बोला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें अब क्या है हेल मतलब तूफान, तूफान टाइप का भी उसको भी बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, अब हेल भी आ गई, हेल में ओले, एक तरीके से ओले भी गिरने लगे अब। देन ही राउंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, इतना ठंडा हो गया था, देखो बर्फ भी है, ओले भी है, ठंडी हवाएं भी है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी वहाँ पे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो सेल्फिश जायंट, क्या बोलता है, विंडो पे बैठे बैठे बाहर देखते हुए, अपने गार्डन को देखते हुए विंडो पे बैठे बैठे क्या देखता है, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि स्प्रिंग अभी तक आया क्यों नहीं है मेरे गार्डन में, ठीक है ना, अभी तक कोई मौसम चेंज क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ वैसे के वैसे ही क्यों है। बट द स्प्रिंग नेवर केम, पर स्प्रिंग कभी नहीं आई, ना समर आया, सिर्फ एक ही मौसम था, क्या था, तूफान था, सर्दी थी, बस और कुछ नहीं था। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, जो ऑटम का सीज़न आता था इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑटम का सीज़न हर टाइम कुछ ना कुछ लेके आता था, पर जायंट के गार्डन के लिए कुछ भी नहीं लाया, क्योंकि जायंट क्या था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर, इसलिए हर टाइम वहाँ पे क्या रहती थी, सर्दी, नॉर्थ विंड, हेल, फ्रोस्ट, मतलब बर्फ, ओले, हवाएं, ये सब कुछ, और कुछ नहीं रहता था। वन मॉर्निंग जो जायंट वॉज लाइंग अवेक, एक दिन एक सुबह की बात है, जायंट जो था अपने बेड पे ऐसे आंखें खोल के पड़ा हुआ था, जब उसने एक बहुत प्यारा सा म्यूजिक सुना, वो बहुत अच्छा था, उसको सुन के एकदम खुशी सी हो गई। जो जायंट था वो बेड पे ऐसे पड़ा हुआ था, तभी उसने एक बहुत प्यारा सा म्यूजिक सुना, तो उसको लगा कि जरूर जो राजा थे उसके जो गाने गीतकार हैं, जो राजा के जो म्यूजिशियंस हैं, वो वहाँ से गुजर रहे होंगे, पर नहीं, वो वहाँ पे गीतकार नहीं थे, वहाँ पे कौन था, एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी था। यहाँ पे देखो लिनेट लिखा हुआ है, लिटिल लिनेट, लिनेट क्या है, यहाँ पे एक पक्षी है जो कि उसके विंडो से उसके गार्डन में होते हुए निकला। जैसे ही उसने वो प्यारा सा म्यूजिक सुना और वो पक्षी वहाँ से गुजरने लगा, तो जो उसके गार्डन में जो हर टाइम बर्फ थी, फ्रॉस्ट था, हेल था, ये सब कुछ, ठंड वन सब रुक गई, जो उसके
ओले गिर रहे थे उसके सिर के ऊपर, बर्फ गिर रही थी, वो सब रुक गई। और क्या हुआ, देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर इज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, हवाएं चलनी बंद हो गई जो ठंडी ठंडी हवाएं थी, एंड ए डिलीशियस, और उसके गार्डन में एक बहुत प्यारी सुगंध, क्योंकि देखो फूल उगने लगेंगे तो सुगंध आएगी, खुशबू आएगी, जब तक उसके गार्डन में फूल ही नहीं थे, सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी तो खुशबू भी नहीं आ रही थी, तो उसके गार्डन में से अब क्या हुआ, खुशबू आने लगी, फूल उगने लगे, तो उसको लगा कि एट लास्ट अब मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन आ गया, और वो खुशी के मारे अपने बेड से उठा और बाहर देखने लगा। देखो अब यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जायंट सेल्फिश क्यों था, क्योंकि वो किसी को भी अलाउ नहीं करता था अपने गार्डन में आने के लिए, वो कहता था सिर्फ ये मेरा गार्डन है। ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हेयर, लेटर दिस सेड हाउ हैप्पी वी वर देयर। तो इन दोनों केसेस में देखो सेंटेंस दोनों सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, वी आर और यहाँ पर वी वर, मतलब पहले हम पहले बच्चे जब आपस में पहले पहले हमने क्या पढ़ा था कि बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे उस टाइम पे, कि हम यहाँ पे कितने अच्छे, हमें कितना अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे कितने खुश हैं, लेकिन जब जायंट ने उनको मना कर दिया कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे, वो रोड पे खेलने लगे थे, तो रोड पे खेलते खेलते उन्होंने आपस में क्या बोला था कि हम गार्डन में कितना खुश रहते थे, हमें वहाँ पे अच्छा लगता था। तो था और है दोनों में फ़र्क बताना है आपको, ठीक है, यही फ़र्क है। When spring came, it was still winter in the garden. जब spring आया तभी भी वहाँ पर winter था। What does winter stand for or indicate here? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब winter का मतलब है कि जो giant का जो garden था वो बिल्कुल ही lifeless था, मतलब वहाँ पर कुछ था ही नहीं, सिर्फ वहाँ पर ठंड ही ठंड थी, और वहाँ पर कोई flowers नहीं थे, कोई blossoms नहीं था, कोई fruit नहीं था, birds नहीं थी sing करने के लिए, सब कुछ, ठीक है। आपको आगे questions खुद से सॉल्व करके मुझे बताने हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स, द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, स्पेशली अ लिटिल बॉय हू ही लव्ड डियरली, द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर। अब आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, टू बट वहाँ पे देखो ट्रीज हैं, अब वो यहाँ पे ट्रीज बर्ड्स ब्लॉसम्स अब यहाँ पे सब अच्छा अच्छा होने लगा, जो एक बच्चा है जो जायंट था वो खुश था अपने दोस्तों को देख के, उन बच्चों को देख के, हम ये सब कुछ देखेंगे। ही सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट देयर थ्रू ए लिटिल होल, उसकी वॉल में क्या था, एक बहुत एक होल हो रहा था, द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। ही सॉ, जो बच्चे थे उसके गार्डन में वो अंदर आ चुके थे, कैसे अंदर आए थे, उसकी दीवार में एक छोटा सा होल करके उसके अंदर आ चुके थे, और वो कहाँ बैठे हुए थे, देखो आप सब कुछ देखो, पेड़ों की शाखाओं पे ब्रांचेस पे वो बैठे हुए थे, इधर से उधर भाग रहे थे, हर एक पेड़ पे एक एक बच्चा बैठा हुआ था, और पेड़ भी खुश थे क्योंकि पेड़ में भी लाइफ आ गई थी, उससे पहले क्या था पेड़ लाइफलेस था, बट अब पेड़ भी खुश हो चुके थे, ब्लॉसम्स हर जगह फूल उग रहे थे, और अच्छी अच्छी हवाएं, मतलब बहुत खुशी था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, चिड़ियाँ भी घूम रही थी, ठीक है, हर जगह फ्लावर्स थे, ग्रास थी वो दोबारा से हरी हो गई थी, यहाँ पे ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, मतलब जो घास थी वो हरी भरी हो गई थी, वो भी एक बहुत अच्छा दृश्य था, लवली सीन। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, पर अभी भी एक कॉर्नर में, गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी क्या था, विंटर थी, मतलब अभी भी वहाँ पे खुशियाँ नहीं थी, वो गार्डन से थोड़ी सी बिल्कुल कॉर्नर पे था, थोड़ी सी दूर, एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, लेकिन वहाँ पे क्या था, छोटा सा बच्चा खड़ा था, वो इतना छोटा था कि वो ऊपर पेड़ों के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा था, और रो रहा था कि मुझे भी ऊपर चढ़ना है, मुझे भी ऊपर चढ़ना है, बट वो बहुत छोटा था, द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड, इसलिए क्या था, जो पेड़ था वो अभी भी बर्फ़ से ढका हुआ था, अभी भी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्यों, क्योंकि क्योंकि वो बच्चा पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। Climb up little boy sat the tree and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. बच्चा इतना छोटा था कि पेड़ ने अपनी शाखाएं नीचे भी कर ली, पर वो नहीं चढ़ पा रहा था। एंड द जायंट्स हर्ट मेल्टेड एंड एज ही लुक्ड आउट, जैसे ही उसने वहाँ पे देखा, जो जायंट का जो दिल था वो पसीज गया, उसने बोला कि मैं कितना सेल्फिश हो गया था, मैंने इन बच्चों का नहीं सोचा, अब मुझे समझ में आया कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आया, मैं क्या करता हूँ, मैं उस छोटे बच्चे को मैं ही बैठा देता हूँ पेड़ के ऊपर, और एंड माई गार्डन शॉल बी द चिल्ड्रंस प्ले, और हमें जो मेरे ये बच्चे हैं हमेशा मेरे गार्डन में खेलते रहेंगे। वो बहुत सॉरी था कि उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा क्यों करा बच्चों के साथ। सो ही क्रैप डाउन स्टेयर्स, तो वो नीचे आया, ऊपर से मतलब झाँक रहा था, फिर वो नीचे आया और उसने
बहुत प्यार से गेट को खोला और गार्डन के अंदर गया, बट जब उसने बच्चों को देखा तो वो बहुत डर गए थे, सारे भाग गए थे एंड द गार्डन बिकम और गार्डन फिर से जैसे ही उसको देखा बच्चों ने तो बच्चे भाग गए डर के मारे, और गार्डन फिर से क्या हो गया, विंटर वाला बिल फिर से लाइफलेस हो गया। ओनली द लेकिन जो छोटा बच्चा था सिर्फ वही नहीं भागा, क्यों, क्योंकि वो इतना छोटा था उसे कुछ पता भी नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए वहाँ से वो भागा ही नहीं। बाकी आगे की स्टोरी बच्चे हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, और आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको फिर से एक बार रीड आउट करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जो डाउट्स हो ले लेना। थैंक यू।